उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की तरफ से अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल को व्यापारियों एवं आम जनता की समस्याओं को अवगत कराते हेतु ज्ञापन दिया गया। वहीं उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने मीडिया से वार्ता कर बताया कि वर्तमान में विद्युत कटौती चरम सीमा पर है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 घंटे बिजली आपूर्ति के आदेश जनता की सुविधा के लिए दिए जा चुके हैं। साथ ही आया कि वर्तमान में विभाग के अधिकांश अधिकारियों का व्यवहार अत्यधिक अभद्र और रूखा हो गया है। साथ ही विद्युत अधिकारियों द्वारा लगातार जनता के फोन भी रिसीव नहीं हो पा रहे हैं, तो वहीं विद्युत चेकिंग के नाम पर अनावश्यक रूप से निर्दोष लोगों का लगातार शोषण व उत्पीड़न भी किया जा रहा है, जिससे विभाग से संबंधित कुछ दलाल निर्दोष जनता पर कार्यवाही की धमकी दिखाकर आर्थिक रूप से शोषण व ब्लैकमेल कर रहे हैं। और साथ ही यह भी बताया कि विभाग में नए कनेक्शन के प्रार्थना पत्रों पर भी अनावश्यक रूप से तरह तरह की कमियां निकाल कर नए कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे जनता को परेशानी के साथ ही शासन को राजस्व की भी हानि हो रही है। इन सभी मांगों को लेकर व्यापार मंडल द्वारा अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया। आज व्यापार मंडल ने अधीक्षण अभियंता महोदय को ज्ञापन दिया है, बिजली विभाग की समस्याओं से अवगत कराया है कि ज़्यादातर समस्याएं एक्शन फर्स्ट कार्यालय के लेवल की हैं। जो नए कनेक्शन जिन लोगों के होने हैं, दूरी का बहाना बताकर उनको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। बिजली चेकिंग की आड़ में जिन निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, दलाल जा घर पर उनके घर पर जा करने के बाद उनकी प्रतिष्ठानों पर जाने के बाद उनसे अवैध वसूली में 50,000 में भी उनका मामला निपटा देने की बात कर रहे हैं। दलाली प्रथा किसी कीमत स्वीकार नहीं की जाएगी। बिजली विभाग में अगर किसी को बिजली चेकिंग करनी है तो अगर किसी की बिजली चोरी हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसके ऑलरेडी 4-4 किलोवाट के कनेक्शन है, जो 8-8 हज़ार रुपये का बिजली का बिल का 7,000-8,000 का बिजली का भुगतान कर रहा है। ऐसे प्रूफ हमारे पास मौजूद हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है। इस मामले में हमने अधीक्षण अभियंता महोदय को अवगत कराया है। इस प्रकार की तानाशाही, ज़्यादती और ब्लैक मेलिंग किसी कीमत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये ब्लैक मेलिंग की मंशा है। जिन लोगों के छोटे छोटे व्यापारियों के पब्लिक के काम हैं, किसी का कनेक्शन ट्रांसफ़र होना है नाम में, किसी का 2 किलोवाट का कनेक्शन होना है, किसी का 4 किलोवाट का कनेक्शन होना है, उन लोगों के कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है। किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 50,000, इस प्रकार डिमांड कर रहे हैं। और जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं उनके कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, उनको दूरी का बहाना बताकर उनके कनेक्शन रिजेक्ट किए जा रहे हैं, उनकी फाइल कैंसिल की जा रही है। ये तरीका किसी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ केमरी राइस मिलर्स के हमारे पदाधिकारी, व्यापार मंडल केमरी के हमारे अध्यक्ष मौजूद हैं। उन्होंने आवाज़ उठाई है कि केमरी में 84 से ज़्यादा राइस मिल हैं, उन राइस मिलों पर विशेष फीडर होना चाहिए ताकि उनको 24 घंटे लाइट मिले, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू की प्राप्ति होगी और व्यापारियों का इंडस्ट्री बढ़ेगी। रामपुर जनपद में ऑलरेडी जहाँ पर इंडस्ट्री की आवश्यकता है, जहाँ पर इंडस्ट्री की वजह से रामपुर जनपद हमारा पिछड़ा हुआ है, हमारे इंडस्ट्री के लोग जहाँ पर 1785 इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री मौजूद हैं, राइस मिलर्स मौजूद हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ विशेष फीडर होना चाहिए ताकि 24 घंटे बिजली की सप्लाई मिले। विशेष फीडर का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक भी विशेष फीडर शुरू नहीं हुआ है। इस मामले हमने एसी महोदय को अवगत करा दिया है।